हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं जो टॉपिक हार्मनी इन दी सोसाइटी पर है। इससे पहले हमने फैमिली पर बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है ना, जो फैमिली की जो भी जितनी भी डिटेल थी हमने उसमें खूब बात किया हुआ है ना, क्योंकि हाउ वी कैन डू जस्टिस विद द फैमिली, हाउ वी कैन फुलफिल ऑल द वैल्यूज़, हाउ कैन वी रिकग्नाइज देम, इवेल्युएट देम, है ना। एंड एट लास्ट व्हेन वी विल बी एबल टू फुलफिल ऑल द वैल्यूज इन द फैमिली, देन दिस इज ओनली द पाथवे टू अचीव आवर कॉमन गोल विच इज अ अनडिवाइडेड सोसाइटी, बिकॉज ऑल वी वॉन्ट टू लिव इन अनडिवाइडेड सोसाइटी। ठीक है, जो हमारी वर्ल्ड फैमिली की ओर ले जाता है, बिकॉज जैसा मैंने पहले बताया था हमारी फैमिली में क्या है, फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है, ऑफ मोर देन टू पीपल, टू पर्सन और कैन बी मैनी। ठीक है, तो दिस इज अ यूनिट, बेसिक यूनिट, इसमें एंड इंटरेक्शन ऑफ व्हाट, इंटरेक्शन ऑफ वैल्यूज, ठीक है, अनटिल अनलेस वी एबल टू रिकग्नाइज एंड फुलफिल दीज वैल्यूज वी कैन नॉट कॉल दिस ए फैमिली। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पहुंचता है, ठीक है, वो क्या है, सोसाइटी, है ना, क्योंकि सोसाइटी जैसे इसमें दिख रहा है आपको हार्मनी इन दी सोसाइटी। सो जैसा कि मैंने बताया रिलेशनशिप इज बिटवीन सेल्फ टू सेल्फ, ये हम पहले भी देख चुके हैं, सेल्फ टू सेल्फ नॉट बॉडी टू बॉडी, एंड दिस इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द फैमिली। जैसा मैंने डिस्कस किया है क्लास में कि अगर आप देखो, क्या आप, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या आप जो है केवल वन और मैनी, है ना, केवल आप वन और मैनी पीपल के साथ ही, है ना, हार्मनी के साथ रहना पसंद करोगे या मैनी ऑफ देम या ऑल के साथ। अगर हम देखें हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, क्या हम केवल एक या कुछ एक के साथ ही हार्मनी से रह सकते हैं या सभी के साथ रह सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, सभी के साथ भी रह जा सकता है ना, एंड इससे क्या अचीव होगा, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, है ना, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। अगर फैमिली में हार्मनी का इस्टेब्लिश होता है ना, फैमिली में अगर हार्मनी का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, म्यूचुअल हैप्पीनेस, है ना, बिकॉज एंड सोसाइटी इज द इंटरेक्शन बिटवीन फैमिलीज, देर आर सो मैनी फैमिलीज, राइट। सो वैन वी वी एबल टू रिकग्नाइज फुलफिल एंड इवेल्युएट द वैल्यूज बिटवीन फैमिलीज, देन दिस लीड्स टू अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड द एंड रिजल्ट ऑफ दिस म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो जैसा इसमें मैंने लिखा भी हुआ है ना, तो मैंने जैसे मैं क्वेश्चन पूछा मैंने, डू वी वॉन्ट टू लिव इन हार्मनी विद लिमिटेड सेट ऑफ पीपल और विद मैनी पीपल, विद एवरीवन, हार्मनी इन फैमिली इज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द हार्मनी इन सोसाइटी, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर फैमिली एमंग फैमिली के बीच में ही नहीं रहेगा तो सोसाइटी की कल्पना करना तो एक जो है झूठी बात है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड फैमिली ऑफ रिलेटेडनेस इज बेसिस फॉर अनडिवाइडेड सोसाइटी, दिस इज अवर नेचुरल एक्सेप्टेंस, है ना। तो नेचुरली एक्सेप्टेंस हमारा जवाब क्या आएगा, कि वी कैन लिव विद हार्मनी विद एवरीवन, अगर हम फैमिली में जो है हार्मनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसे फिलफिल कर सकते हैं, तो एवरीवन के साथ में भी रिलेशन हम उसे पहचान सकते हैं, उसको फिलफिल कर सकते हैं, है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल क्या है, जैसे मैंने बताया था, राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल, प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, फियरलेसनेस इन सोसाइटी, कोएग्जिस्टेंस इन नेचर, है ना। ये हमारी फोर जो है फोर पर्सपेक्टिव्स में ह्यूमन गोल को देखा जा सकता है ना। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ होती है, सेल्फ में शुरुआत होती है, राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल, आपने इसको देखा हुआ है, हमने डिस्कस किया हुआ है, प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, एंड जब वेन वी एबल टू इस्टेब्लिश प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल फियरलेसनेस इन दी सोसाइटी। और फियरलेसनेस कैसे अचीव होगी, एंड देयर विल बी
अ ट्रस्ट बिटवीन फैमिलीज। और ट्रस्ट कैसे हो सकता है? व्हेन वी विल एबल टू आइडेंटिफाई द रिलेटेडनेस, रिलेटेडनेस बिटवीन फैमिलीज, है ना, जब हम उस रिलेटेडनेस को फील कर पाएंगे, जैसा कि हमने फैमिली में फील किया है, देखा है, पहचाना है, उसे फुलफिल किया है, ऐसे ही हम दूसरी फैमिली में भी उसको जो है पहचान सकते हैं, उसे फुलफिल कर सकते हैं, एंड वी कैन इक्वली बी इवेलुएटेड, इसे हम इवेलुएट भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, दीज फीलिंग्स आर इंश्योर्ड, देन वॉट एल्स वुड वी नीड इन द सोसाइटी। अगर ये फीलिंग हम इंश्योर कर लेते हैं तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, आर ऑल वी एबव रिक्वायर्ड, ये हमने डिस्कशन खूब किया हुआ है क्लास में, है ना, क्या ये वैल्यू जो ऊपर मैंने देखा, चार जो मैंने बातें की, या केवल रिक्वायरमेंट है ये सोसाइटी का, हम सभी का, या दिस इज द बेसिक नीड, ये एक नीड है, इसके बगैर सर्वाइवल है ही नहीं। राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल, प्रॉस्पेरिटी इन फैमिली, फियरलेसनेस इन सोसाइटी, एंड द फीलिंग ऑफ कोएग्जिस्टेंस विद द नेचर। जैसा हम डिस्कस किया है ना काफ़ी, भाई नेचर, नेचर के बगैर बताओ क्या एग्जिस्टेंस है ह्यूमन बींग का, आप देखो क्या इसको हमने कभी रियलाइज किया है ना। तो हमारा जो जो नेचुरली जो एक्सेप्टेड ऑप्शन है, जो हमारा नेचुरली एक्सेप्टेड एग्जिस्टेंस है, वो क्या है, कोएग्जिस्टेंस का ही है, लेकिन वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई दिस, वी आर अनएबल टू इस्टेब्लिश दिस, बिकॉज ऑफ वी हैव ओनली द फीलिंग्स ऑफ, क्या हम लोग, हमारी फीलिंग है अभी तक कि ओनली एवरीथिंग इज फिजिकल फैसिलिटीज, एवरीथिंग इज ओनली फिजिकल एक्वायर्डनेस, एंड वी हैव अज्यूम दैट एवरीथिंग इज बॉडियली हैप्पीनेस, जो कि हमने क्या, कैसे मिलती है, फिजिकल फैसिलिटीज से, सेंसुअल ऑर्गन से, है ना, एजम्पशन से, प्री कंडीशन थॉट से, हम उसी को सब कुछ मान बैठे हैं। दैट इज़ वाई वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई दीज रिलेटेडनेस विद सोसाइटी, विद नेचर, बट दिस इज एसेंशियल, दिस इज द बेसिक नीड। व्हेन वी एबल टू आइडेंटिफाई दिस रिलेटेडनेस, देन दिस लीड्स टू व्हाट, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, तभी जो है एक म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग आएगी। टू वेरीफाई आस्क सम क्वेश्चंस, वी कैन आस्क सम क्वेश्चंस कि ये जो मैंने जैसे चार मैंने ऊपर की बताई है ना फीलिंग्स, ये रिक्वायर्ड हैं केवल या बेसिक नीड हैं, ये हम इसे चेक कर सकते हैं आफ्टर सेल्फ एक्सप्लोरेशन। क्या डू आई वॉन्ट राइट अंडरस्टैंडिंग फॉर एवरी ह्यूमन बींग और ओनली फॉर सम, राइट अंडरस्टैंडिंग एवरी ह्यूमन बींग में होना चाहिए या केवल कुछ एक में होना चाहिए, एंड ऐसे ही प्रॉस्पेरिटी केवल वन फैमिली में होना चाहिए या सभी फैमिलीज में। डू आई वॉन्ट वर्क फॉर सोसाइटी इन विच आई कैन बी अश्योर्ड ऑफ ट्रस्ट, क्या हम ऐसी सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं जिसमें क्या हो, ट्रस्ट हो, फियरलेसनेस हो। डू आई वॉन्ट फियरलेसनेस, डू आई वॉन्ट सच सोसाइटी, क्या हम ऐसी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, हमारा क्या आंसर आएगा, हाँ, लेकिन अगर आप पूछें हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, व्हाट आर आवर एफर्ट्स, व्हाट आर आवर कंट्रीब्यूशंस, क्या कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, तो ये क्वेश्चन है हमारे लिए, राइट, बट वी ऑल वांट राइट, हम सभी यही चाहते हैं, दैट वी वांट व्हाट, फियरलेसनेस इन सोसाइटी। डू आई वांट टू लिव इन कोएग्जिस्टेंस विद ऑल ऑफ नेचर, क्या हम नेचर के साथ ही संगीत में रहना ही हमारा सेल्फ जो है, जो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है, हमारी नेचुरल प्रकृति है, हमारा जो हमारा इनहेरिटेड नेचर है, वो क्या है, कोएग्जिस्टेंस विद द नेचर, जैसे मैंने पहले बताया था, कोएग्जिस्टेंस में रहना ही, चाहे वो फीलिंग में हो, चाहे अपने आप के अंदर हो, है ना, कोएग्जिस्टेंस की फीलिंग ही हार्मनी है। जैसे सेल्फ की जैसे बात करें तो, है ना, तो हमें ये रियलाइज हो जाए कि ह्यूमन बीइंग, सेल्फ एंड बॉडी आर कोएग्जिस्टेड एंड देयर नीड्स आर डिफरेंट, ऐसे फैमिली का भी जो
जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे होता है, वो को एग्जिस्टेंस ही है, फीलिंग ऑफ को एग्जिस्टेंस है ना, रिकग्निशन ऑफ ऑल दोज वैल्यूज जो कि हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो जैसे क्या है, जैसे मैंने बताया था हैप्पीनेस क्या है ना, को एग्जिस्टेंस में की फीलिंग, अगर हम जो है क्या है संगीत की भावना में रहते हैं, दैट इज हैप्पीनेस। और व्हाट इज अनहैप्पीनेस, क्या है ना, विरोध में जीना, कॉन्फ्लिक्ट में जीना इज अनहैप्पीनेस। चलो, तो दीज ऑल आर रिलेवेंट क्वेश्चंस है ना, पर्टेनिंग टू ऑल अवर वेलबींग, हम इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, जो हमारा नेचुरली एक्सेप्टेड ऑप्शन होगा दैट विल बी द राइट आंसर, राइट। तो दीज बिकम्स द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो मैंने बताई ये चार जो नीड्स वो क्या हैं, दीज आर बेसिक नीड्स, इसके बगैर जो है सोसाइटी में सर्वाइवल ही नहीं है। राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल, प्रॉस्पेरिटी इन द सोसाइटी है ना, राइट क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी इन फैमिली होगा और सोसाइटी में क्या होगा, फियरलेसनेस होगा, ट्रस्ट होगा इन नेचर के साथ को एग्जिस्टेंस। ये क्या है, दिस इज द बेसिक नीड है ना, फॉर द ह्यूमन बींग, By this is the only way, right? This is the only way to achieve the happiness and harmony. तो हम इसको जो है, और आज के टाइम में अगर हम देखें, let us evaluate where are we today, हमारी क्या है, हमने क्या मानते हैं, हम right understanding क्या मानते हैं, है ना, are we, क्या हम इसके लिए वर्क कुछ कर रहे हैं, क्या effort कर रहे हैं, right understanding in every individual, है ना, अगर आज की state को देखें तो क्या है, क्या इसके लिए effort करते हैं, है ना, आर वी वर्किंग फॉर इट आर वी आर इग्नोरिंग इट, है ना, और प्रॉस्पेरिटी इन फैमिलीज के लिए, वी आर प्राउड ऑफ आवर फिजिकल फैसिलिटीज इन मैक्सिमाइजिंग एक्यूमुलेशन एंड सेंसरी और एन्जॉयमेंट। हम फैमिली के बाद में क्या आते हैं, जब हम फैमिली की बात करते हैं तो क्या हम रिलेशनशिप को, क्या वैल्यूज को इम्पोर्टेंट देते हैं, क्या उनको हम फुलफिल करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो आज की स्टेट क्या है, इस पर हम जो है वी कैन पुट अवर क्वेश्चंस। फियरलेसनेस इन सोसाइटी क्या कर रहे हैं, इन प्लेस ऑफ वर्किंग फॉर फियरलेसनेस वी आर वर्किंग फॉर स्ट्रेटेजिक पावर्स, वी आर एक्वायरिंग पावर्स, मेरे पास ये हो जाएगा तो दूसरे लोग मेरे से क्या करेंगे, मेरे को रिस्पेक्ट देंगे या मेरे से डरेंगे या मेरा एक कोई एक खास स्टेटस हो जाएगा, है ना, पीपल आर एक्वायरिंग पावर्स, चाहे कंट्रीज को आप देख लो, है ना, इन स्पाइट ऑफ working for fearlessness we are trying to increase our strategic powers or coexistence with nature ke liye hum log kya kar rahe hain, right, instead of coexistence we are ignoring nature, right, but still this is our basic support system, iske bagair to kaam nahi chal sakta, ye fourth wala kya hai, coexistence with nature hai, right। So ye hame jo hai, इसके लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट में बात करूँगा, ये हमें इंश्योर करने के लिए है ना, अंडरस्टैंडिंग इन इंडिविजुअल, प्रॉस्पेरिटी इन फैमिली, फियरलेसनेस इन सोसाइटी एंड कोएग्जिस्टेंस इन नेचर, इसको हमें इंश्योर करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम सर्टेन प्रोग्राम्स, वी हैव टू इंश्योर सम प्रोग्राम्स, तभी उसको हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस डे।